तो गाइस ना मैंने फ़िश करी फर्स्ट टाइम ट्राई की, एकदम अच्छी थी, आप भी बना देना। तो फिश ले लिया, फिर अपन मैरिनेशन के लिए रख देंगे, थोड़ा सा नमक डाल दिया और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल दिया और थोड़े से हल्दी डाल दी। अभी वो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मतलब उस पर लगा देंगे सब पे। और करना कुछ नहीं, खाली वो रख देना। बाद में क्या करना, ऑयल डाल देना एक पैन में, थोड़ा ज़्यादा ले लो ऑयल, इसमें तो घी अपन यूज़ नहीं कर सकते इसलिए ऑयल रखा था। तो जो फिश के पीसेस थे ना वो अपन सब में इसमें वो पका के ले लेंगे, मतलब 5 से 10 मिनट तक अपन इसको पकाएंगे। अभी ढक के रख देंगे क्योंकि वो उसका हवा रहता है ना उससे पक जाएंगे। तो अभी दूसरी साइड से भी पका लेंगे 5-10 मिनट तक, और फिर अपन नेक्स्ट ग्रेवी तैयार करेंगे अपनी। ग्रेवी रहती है ना वो, तो ट्राई करके देख लेना, इतना खुशबू अच्छा रहे ना गाय, आप खाओगे ना उंगलियाँ चाट के रह जाओगे। तो ग्रेवी के लिए अपन सब ग्राइंड ही करेंगे, तो कैसे भी काट लो मेरे हिसाब से बेटे। एक ऑनियन ले लिया, थोड़ा सा टोमेटो ले लिया आधा आधा करके, और क्या किया, थोड़े से खड़े मसाले भी इसमें ऐड किए थे मैंने ग्राइंडर में, सो वो डाल दिया। और ये सब लहसुन अदरक और मिर्ची है और ऑनियन है, वो अपन ने इसमें डाल दिया। अभी अपन परफेक्टली पका के ले लेंगे क्योंकि 5-10 मिनट तक, थोड़ा सा ब्राउन होने तक। तो आप भी पका लेना, और इसके शॉर्ट्स वीडियो गाइस इंस्टाग्राम पर अपलोड है, आप वो देख लेना, मज़ा आएगा आपको वो भी, और फॉलो कर देना। तो थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा घर का मसाला था ये भी डाल दिया, और अच्छे तरीके से वो अपन ने मिक्स करना है क्योंकि वो भी मसाले पक जाए जो अपन ने बाद में ऐड किए। तो टोमेटो की पेस्ट डाल दिया परफेक्टली, सभी टोमेटो की पेस्ट भी पकने देंगे 2-4 मिनट तक, वो भी पक जाएगी जल्दी क्योंकि हाई फ्लेम है अपना 240 पे है। तो अभी ये ढक के रख देने का 5 मिनट तक, क्योंकि पानी छोड़े नहीं, थोड़ा सा ये हो जाए, इसलिए अपन ने पानी भी ऐड नहीं किया, बाद में करेंगे अपन वो भी ऐड, देख लेना ढंग से। तो ये भी मसाला पक्या ही है। अभी क्या करना है, थोड़ा सा पानी अपन इसमें ऐड कर देना है, देख लो मतलब उबाल आना शुरू हो गया। अभी ये मसाला पूरा मिक्स कर देना पानी में परफेक्टली, तो टेस्ट आएगा मज़ेदार। ज़्यादा तीखा भी नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मली है, तीखा खाना नहीं जाए ज़्यादा, नॉर्मली खा लो, ज़्यादा भी नहीं। मैं तो बोलता हूँ घी में ही आप बना लो सब, तेल का कोई इशू नहीं रहता, तेल अच्छा नहीं रहता शरीर के लिए, तो ये कभी कभार हो जाता है तेल में, नहीं तो कौन सा भी वीडियो देखो यही रहता है। तो अभी इसमें सब पीसेस अपन ऐड कर देंगे, अपन ने जो फ्राई करके लिए थे, देख लो मतलब अभी वो भी अपन थोड़ा सा मसाला इसमें लग जाए, इसलिए ऊपर नीचे करके अपन इसको ढक देंगे बाद में, तो वो भी रेडी हो जाएगा। अभी ढक के निकालोगे ना वो रेडी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही मैं डेली रेसिपीज डालता हूँ, जो भी आपको पसंद आ जाए मेरे को बोल देना। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, टेक केयर।